हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आपके सामने विद्या भ्रष्ट में तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ संज्ञा का। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो संज्ञा के जो सवाल हैं ऑल व्यापम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, और बच्चे की ये मानसिकता होती है कि संज्ञा है यानी बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको बड़ी आसानी से हल वो कर लेंगे, इसलिए वो उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो ऑप्शन होते हैं बच्चों को, वो ऑप्शन जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, उसके आधार पर उसका ज्ञान कभी काम नहीं आ पाता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे परीक्षा में यदि आया कि दिल्ली में कौन सी संज्ञा है, तो बच्चा सोचेगा कि दिल्ली तो एक स्थान होता है तो स्थानवाचक संज्ञा होगी। हर बच्चा यही सोचेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, स्थानवाचक संज्ञा होगी। यदि बोला जाए कि अमिताभ बच्चन में कौन सी संज्ञा होगी, तो हर व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि हो सकता है अमिताभ बच्चन एक पुरुष है, तो हो सकता है पुरुषवाचक संज्ञा होगी उसमें। ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा सोचेगा ही व्यक्ति, 99% बच्चे यही सोचेंगे, है ना। माउंट एवरेस्ट सोचा जाएगा तो सोचेगा कि यार ये तो निर्जीव एक क्या है, पहाड़ है, तो जड़वाचक होगा ये। तो ऐसे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बच्चों को क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज कर देते हैं। तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए कि संज्ञा कभी गलत हो ही ना जीवन में, तो इसके लिए सबसे आसान रास्ता तो ये है कि सबसे पहले तो हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि आखिर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैंने जो लिखी है संज्ञाएँ वो इतने प्रकार की तो नहीं होती। ये तो सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको देगा कि दिल्ली कौन सी है, तो आप स्थानवाचक कर देंगे, या मैथिली शरण गुप्त कौन सी है, तो आप पुरुषवाचक कर देंगे। ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए आपको देंगे। तो इसका क्या उपाय है, तो इसका सबसे आसान उपाय यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर संज्ञा होती कितने प्रकार की है, और उसको याद रखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके याद रखने के लिए एक फार्मूला है आपका BJV, BJP जैसा होता है एक पार्टी का नाम है, वैसे ही BJV है। यदि BJV आपने याद कर लिया, इसका मतलब संज्ञा 3 प्रकार की होती है, भाववाचक, जातिवाचक और तीसरा व्यक्तिवाचक। और ऊपर की जो 3 लिखी है ये डमी है, ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। इसका मतलब इस तरह की कोई संज्ञा होती ही नहीं है, और आप अधिकतर जो उत्तर लगाओगे इनके उन 3 में से ही ढूंढोगे, और इस तरह की कोई संज्ञा बनी ही नहीं है जबकि। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, BJP की जगह BJV होता है। बी का मतलब होता है भाववाचक, जे का मतलब होता है जातिवाचक, और बी का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। ये आपने बेसिक्स पकड़ लिया, अब उत्तर आपको इन 3 में से ही ढूंढना है। अब आखिर संज्ञा होती क्या है, तो संज्ञा की जो बचपन से आप परिभाषा पढ़ते आ रहे हो, व्यक्ति अथवा स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वो उस परिभाषा के माध्यम से आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ये भाव तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपको, लेकिन ये चीज़ें जब आएंगी तो ये आपको कन्फ्यूज कर देंगी। भाव तो आपको समझ में आ जाएगा, प्यार भाव है, घृणा भाव है, सुंदरता भाव है, गर्मी भाव है, दर्द है भाव, ये आप कर सकते हो, एक उसका हिस्सा कर सकते हो भाववाचक। बाकी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को यदि याद करना है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं ये यदि पता लग गया हमें, तो ये तो बहुत ही आसान है कि व्यक्तिवाचक फिर क्या है और जातिवाचक क्या है। तो दुनिया में जो भी चीज आई है और उसका जो नाम है वही संज्ञा कहलाती है। जैसे ये मार्कर, ये एक संज्ञा है, ये बोर्ड, ये एक संज्ञा है, ये पंखा एक संज्ञा है, ये शर्ट एक पंखा, ये भी एक संज्ञा है। यानी दुनिया में जो भी वस्तु आई है और उसका जो भी नाम है वो संज्ञा कहलाती है, बस ये संज्ञा की डेफिनेशन है। अब दुनिया में 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक कॉमन होती है और एक रेयर होती है। अर्थात दुनिया में कुछ वस्तुएं कॉमन होती है, जैसे कवि की बात करो तो हजारों कवि होते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की बात करो तो वो एक ही पैदा हुआ है। तो जब चीज कॉमन होती है तो उसे जातिवाचक बोलते हैं, और दुनिया में जो चीज एक है वो व्यक्तिवाचक कहलाती है। तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन होगी कि दुनिया में जो चीजें बहुत सारी हैं, दुनिया में जो बहुत सारे हैं वो कहलाएंगे आपके जातिवाचक, और दुनिया में जो एक है
यूनिक है वो क्या कहलाएगा? दुनिया में जो एक है वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। बाकी भाव तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। पूरा कन्फ्यूजन, पूरा खेल जो है संज्ञा का इन पर टिका हुआ है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जाति अर्थात दुनिया में जो बहुत सारे हैं, तो सीधी सी बात है महानगर दुनिया में बहुत सारे हैं, तो उत्तर हो गया जातिवाचक। दिल्ली एक है, इसका मतलब ये हो गया व्यक्तिवाचक। अब इसको स्थान से मत जोड़ो, भले दिल्ली क्या है, स्थान है, लेकिन वो रहेगा क्या? दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक रहेगा, ठीक है। कवि दुनिया में बहुत है तो जातिवाचक हो गया। मैथिली शरण गुप्त दुनिया में मैथिली शरण गुप्त दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक हो गया। अभिनेता सैकड़ों हैं, हजारों की संख्या में है दुनिया में, तो वो जातिवाचक हो गया। अमिताभ बच्चन एक ही है तो व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत जातिवाचक हो गया। माउंट एवरेस्ट व्यक्तिवाचक हो गया। नदियां सैकड़ों हैं, जातिवाचक हो गया। गंगा नदी एक है तो व्यक्तिवाचक हो गया। शहर हजारों की संख्या में है तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। उज्जैन की बात करें तो व्यक्तिवाचक हो गया। गांव की बात करें तो ये हो गया जातिवाचक, ये हो गया व्यक्तिवाचक। हाथी जातिवाचक हो गया, लेकिन इंद्र का हाथी ऐरावत एक ही है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। वानर एक प्रजाति है, कई तरह के वानर हैं, तो ये जातिवाचक हो गया, लेकिन हनुमान एक ही हुआ है तो व्यक्तिवाचक हो गया। भगवान भी कई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात करोगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो गए। तो ये अंतर आसानी से आप समझ सकते हो कि दुनिया में जो बहुत सारे हैं वो जातिवाचक होता है, और दुनिया में जो एक है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। और दुनिया में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है और जिनके भी नाम हैं वही क्या कहलाती है? वही संज्ञा कहलाती है, संज्ञा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो महसूस किए जा सकते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे प्यार है, घृणा है, सुंदरता है, गर्मी है, सर्दी है, दर्द है, दया है और कुरूपता है। यह होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा ये तीन प्रकार की होती है, लेकिन इसमें भी एक पेच जब आता है कि जब शब्द यदि दिए जाएं परीक्षा में तो इस नियम को पूरा फॉलो करेगा, लेकिन यही शब्द यदि वाक्य में यदि आएगा और फिर आपसे संज्ञा पूछेगा तो फिर थोड़ा सा गणित थोड़ा सा बदल जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि परीक्षा में सिंपल से आ गया कि दिल्ली में कौन सी संज्ञा है, तो आपके उत्तर आपको इसमें से ही ढूंढना है। लेकिन यदि ये वाक्य के रूप में आ गया तो फिर इनका थोड़ा सा अर्थ अलग हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी मैंने आपको संज्ञा जब शब्द के रूप में होती है तो उसका उत्तर कैसे दिया जाता है ये मैंने बताया, लेकिन जब वो वाक्य में आती है तो उसका थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। जब फिर हमको उस वाक्य को थोड़ा समझना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर उत्तर उसका मिलता है, फिर वो जो नियम है दुनिया में जो बहुत सारे हैं या दुनिया में जो एक है वो फिर लागू नहीं होता। कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत सीता और सावित्रियों का देश है, यदि शब्द के हिसाब से देखा जाए और पूछा जाए अंडरलाइन सीता और सावित्री क्या हैं, तो शब्द के हिसाब से हमें पता लगेगा कि ये दुनिया में एक हैं तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन भारत सीता सावित्रियों का देश है, इसका मतलब यह कहना चाह रहा है लिखने वाला कि भारत की जो महिलाएं होती हैं वो लगभग कैसी होती हैं? सीता सावित्री के समान होती हैं। अर्थात भारत की महिलाएं एक बहुत बड़े वर्ग को क्या करती हैं? दर्शाती हैं। अर्थात यहाँ पर सीता सावित्री व्यक्तिवाचक ना होकर क्या हो जाती हैं? जातिवाचक हो जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? जातिवाचक होगा। दूसरा है पार्टी के सम्मेलन में अनेक नेता आए। सीधी बात है कि पार्टी के सम्मेलन में अनेक नेता आए। नेता आए इसका मतलब नेता बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब वो क्या है? जातिवाचक है। तो जो शब्द के हिसाब था वही इसका अर्थ रहेगा। लेकिन यदि ऐसा कहा गया कि नेताजी ने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और फिर ये पूछा कि ये नेताजी कौन है, तो सभी को पता है ये नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो यहाँ पर ये जो नेताजी शब्द आया है ये फिर जातिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा? ये फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो शब्द में ध्यान देना, शब्द जो है जब वाक्य में आता है तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है उस पूरे वाक्य का, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका उत्तर बनता है।
जैसे सिंहस्थ में अनेक महात्मा आए, सीधी सी बात, अनेक महात्मा आए तो सही, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महात्मा आए, इसका मतलब उत्तर क्या होगा? उत्तर पुराने हिसाब से होगा जातिवाचक, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि ऐसा बोला गया कि महात्मा ने हमें सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, इसका मतलब ये बात हो रही महात्मा गांधी की बात हो रही, फिर यहाँ पर यह महात्मा जातिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह महात्मा हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये जातिवाचक था, यहाँ पर क्या था, ये व्यक्तिवाचक था। पंडित जी घर आए, तो पंडित जी बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये फिर क्या हो सकता है, ये पंडित जी क्या होगा, जातिवाचक होगा। लेकिन पंडित जी बच्चों के प्रिय थे, तो ये बात हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये जातिवाचक होते हुए ही वाक्य में क्या हो जाएगा, फिर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आजकल पढ़ाइयाँ महंगी हो गई हैं, पढ़ाइयाँ की बात करो तो फिर ये हो गया है भाववाचक हो गया, पढ़ाइयों की बात करोगे सिंपल तो भाववाचक है। लेकिन इस वाक्य में यदि देखा जाए तो आजकल सभी तरह की पढ़ाई हो, कोई सी भी पढ़ाई हो, केजी फर्स्ट के बच्चे की भी पढ़ाई हो या कॉलेज के बच्चे की भी पढ़ाई हो, स्कूल के बच्चे की भी पढ़ाई हो, पीएचडी भी करना हो, कुछ भी करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना हो, सभी क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। तो इस वाक्य में जो पढ़ाइयाँ भाववाचक था, वो शब्द कैसा हो गया, वो कॉमन हो गया, दुनिया की सभी पढ़ाइयाँ क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। तो ये पढ़ाइयाँ भाववाचक होते हुए भी अब क्या हो गया इस वाक्य में, ये हो गया अब आपका जातिवाचक हो गया, क्योंकि ये कॉमन बात करने लगा है, सभी पढ़ाइयाँ क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। इसी प्रकार हमने देखा जाए कि लोगों के बीच आजकल दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, अब दूरियों की बात करो तो ये दूरियाँ जो हैं ये भाववाचक है। लेकिन सीधी सी बात है कि आजकल सोशल नेटवर्क या सोशल जो साइट्स होती हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका ज़माना है। आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो इसमें जो बात कही गई कि आज लोगों के बीच आजकल दूरियां बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कॉमन बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है, दुनिया में जो कॉमन है बहुत सारी है, तो ये फिर भाववाचक होते हुए भी फिर क्या हो गया, ये भी जातिवाचक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब शब्द के रूप में आता है तो एज इट इज़ इस नियम को फॉलो करता है, लेकिन जब वाक्य के रूप में संज्ञा आती है तो थोड़ा अर्थ पर हमको उसका ध्यान देना पड़ता है, अर्थ के आधार पर हम उसका उत्तर दे सकते हैं, और पुराना जो लॉजिक है उसको भी हम काम में लेंगे। जैसे पंडित जी घर आए, तो सीधी बात है पंडित जी आए तो बहुत सारे पंडित होते हैं, तो जातिवाचक हो गया। पंडित जी बच्चों के प्रिय थे, तो हमारे दिमाग में आएगा कि पंडित नेहरू की बात हो रही है, या पार्टी के सम्मेलन में अनेक नेता आए, सीधी बात है अनेक नेता की बात हो रही है, जातिवाचक है। नेताजी ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सीधी सी बात है कि बात हो रही है सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और पुराना जो नियम है हमारा, सिर्फ जरा सा नियम है, दुनिया में जो बहुत सारे हैं वो जातिवाचक है, दुनिया में जो एक है वो व्यक्तिवाचक है। और संज्ञा कैसे कहते हैं, दुनिया में जो भी चीज़ आई है और उसका जो नाम है वो संज्ञा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेबल, कुर्सी, मेज, लैपटॉप, एसी, पंखे, सभी चीज़ क्या है, संज्ञा है। तो आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शब्द के रूप में यदि संज्ञा आए तो उसका उत्तर कैसे देना है, और वाक्य के रूप में यदि आए संज्ञा तो उसका उत्तर आपको कैसे देना है। तो मैं बहुत जल्द अगला वीडियो हिंदी का आपके लिए लेकर आऊँगा।